वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे वी आर विटनेसिंग येट अनदर काइंड ऑफ बेरिश बायस डे। क्लियरली आप लोग देख सकते हो चार्ट्स पर कि आज भी निफ्टी था डाउन। एंड एज ऑलवेज फर्स्ट वी लुक एट द नंबर्स, उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे चार्ट्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और टॉप स्टॉक्स के। सो बने रहना। आई नो लॉट ऑफ यू आर इन अ हरी, लॉट ऑफ यू आर इन अ रश। सबको 3.5 मिनट के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट ट्रस्ट मी इट विल बी वर्थ इट। सो निफ्टी की बात करते हैं, 17,800 पर उसने क्लोज किया है एंड क्लियरली 18,000 को गिव अप किया है। दैट्स समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो, और आज भी हम लोग सेम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आज देख सकते हैं कि 17,900 का उसने हाई बनाया था एंड 17,780 का लो बनाया था, विच मीन्स कि अगेन सेकेंड हाफ में सेलिंग आ गया था। बिकॉज वी कैन सी लो और क्लोज के अंदर देयर इज बेरली एनी डिफरेंस, जस्ट 30 or so point sort of deviation, and I feel that's pretty low. अगर बात करते हैं हाउ निफ्टी डिड कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी इज डाउन 1% ऑलमोस्ट एंड स्मॉल्स एंड मिड्स आर फ्लैट टू पॉजिटिव, विच मीन्स कि बाकी सारे स्टॉक्स ने एक्चुअली रिलेटिवली बेटर किया है निफ्टी से। एंड दैट लीड्स मी टू बिलीव कि शायद जो टॉप स्टॉक्स है, यू नो द टॉप 10 स्टॉक्स और सो, रिलायंस, HDFC बैंक एंड द वंस दैट वील एनालाइज टुडे, बेसिकली मे बी उन लोग मेन कल्प्रिट्स थे और बाकी सारा मार्केट उतना खराब नहीं था। सो दिस इज वॉट आई गैदर फ्रॉम दैट। हम लोग देख सकते हैं विक्स इज ऑल्सो नियरिंग 20 अप ऑलमोस्ट 3%। सेक्टर्स की बात अगर करते हैं देन वी कैन सी ऑल सेक्टर्स आर डाउन एक्सेप्ट मेटल्स, एक्सेप्ट ऑयल एंड गैस, एक्सेप्ट PSU बैंक्स। मीनिंग PSU बैंक्स ने अच्छा किया है, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दोज, मतलब जो मेटल और ऑयल एंड गैस है, आई थिंक दे आर गुड, बट the real outstanding sort of performance I believe would be by PSU bank. So dekhte hain why that has also happened. Nifty gainers, these are the ones, and we can see ki honestly first two hi gainers keh sakte hain, because Tata Steel and all, we're seeing them up 2%, but 2% utna bada number nahi hai, at least in my view. And I would say ki real jo gainers hai wo maybe 3 hai, maybe 4 hai, usse zyada nahi hai. And the losers here, we can see losers are also, most are below 2%. It's just HDFC Twins and another HDFC triplet that's come here, and that those are actually down. Apart from that, I think relatively well contained, and this is how that looked on Nifty. So Nifty mein dekh sakte hain main jo culprit tha wo HDFC Twins hi the, uske baad IT aa gaya, and then we had HDFC Life. Aur gainers mein jo drag kar rahe the wo to ye the, jo upar pull kar rahe the wo ye sare the, and we can see there's barely any dent made by the pullers. In fact, अगर हम लोग देखते हैं 10, 14, 18, 22 और सो जितना होगा ये total gain, and we can see 22 is actually less than the third most dragger, which means कि barely जो जिन्होंने actually stocks ऊपर उठाए हैं, they have barely done anything, and that is why we are possibly seeing this fall. So that brings us to the charts. अब charts में जब आते हैं, I feel this is playing out not too unexpectedly, क्योंकि I think ये सारे जो levels है, ये सारी तरह से जो जा रहा है, I believe it's almost going as per how the sentiments typically would go. यहाँ पे एक euphoric sentiment था, फिर एक retest किया, maybe this is where, you know, it was like a test कि क्या सच में bulls उतना hold कर पाएंगे, grip ले पाएंगे, then they failed and then obviously we saw another move down on the downside. मेरा पर्सनल व्यू क्या है, आई फील द स्टोरी इज नॉट ओवर फॉर द बुल्स येट, एंड दिस आई स्पोक अबाउट इन दिस वीडियो एज वेल 18K रिजेक्टेड के अंदर, और आई डू स्टिल स्टैंड बाय दोज सेम व्यूज दैट आई हैड इन दैट वीडियो, सो यू कैन चेक दैट आउट, एंड व्हाइल यू आर एट इट यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ। इट साउंड्स वेरी क्लीशे, ऐसा लगता है यार आजकल तो हर यूट्यूबर बोलने लगा है, बट इट रियली डज हेल्प अस बंच। एंड या Back to Nifty, हम लोग देख सकते हैं this is what it looks like. यहाँ पे ये वाला जो level है, right, this previous resistance, this is important, but I feel more than that, ये एक gap जो है, वो gap retest होता है कि नहीं वो देखना है, और उसके बाद एक बार gap retest होता है, हमें देखना है कि क्या 400 का level hold करता है कि नहीं, because यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं resistance here, resistance broken and support here. तो I think जो 450 के आसपास का इलाका है, 450 to 400 का, that will be a real test of the overall trend. और हम लोग ने वो same चीज़ कल भी बात की थी कि how this zone might be important. अब भी जो होता है तो वो ठीक है, right? जो भी एकदम अब भी हो रहा है, whatever price movements we are seeing right now, those are fine. They will move as per the trend and as per the sentiments. But I feel ये वाले जो levels हैं, they will give us a real perspective into how the trend ends up shaping up.
इंट्राडे के बारे में बात करते हैं तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। वी कैन सी कि यू नो ऐसा नहीं था कि डाउनवर्ड मूवमेंट सारे रिजेक्ट किए थे। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिला था उसको 780 के आसपास, 800 के आसपास, एंड यू नो डिड नॉट रियली वॉन्ट टू गो बिलो दिस लेवल। बट एट द सेम टाइम हम लोग देख सकते हैं कि सेलर्स बहुत स्ट्रांग थे और जो ओपनिंग हाई यहाँ पे बनाया था पहली 10 मिनट में उसे वो पास में आया था बट क्रॉस नहीं कर पाया था, एंड दैट बेसिकली मीन्स कि मे बी सेलर्स आर स्टिल कंट्रोलिंग हायर लेवल्स। एंड दिस इज़ वेरी सिमिलर टू द डिस्कशन दैट वी हैड इन दिस फेज। जब भी मार्च का लास्ट मंथ चल रहा था, लास्ट वीक चल रहा था, माई बैड, हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग देख रहे थे लोअर लेवल से सपोर्ट मिल रहा है बट हायर लेवल्स कंसिस्टेंटली बेयर्स के हाथ में थे, एंड देन वी डिड सी दैट एंड अप यू नो ब्रेकिंग। सो वो एक चीज़ है, एंड दैट वुड बी माई व्यू। अगेन दिस इज अनदर लेवल दैट वी कैन सी ऑब्जर्व योर। सो लेट्स सी क्या होता है। एज ऑफ नाउ तो मार्केट माइट जस्ट बी इन अ फ्लक्स एंड अंडरस्टैंडेबली सो। बहुत बड़ा न्यूज़ आया था वो HDFC ट्विंस का, टेक्निकली स्पीकिंग वी कैन ऑल्सो सी कि RSI 60 के आसपास आया है। नेक्स्ट अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं ये जो गैप है वो गैप फिल करने का ऑलरेडी कोशिश हो रहा है, एंड वी कैन सी RSI 60 हैज़ ऑल्सो बीन ब्रोकन ऑन द डाउन साइड। नाउ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगेन ये सारी चीज़ जो हम हाइंडसाइट में करते हैं, इफ़ वी ट्राई टू डू इट इन रियल टाइम, इवन दो इट फील्स अ लिटिल ऑड टू से इट एस्पेशली टू मी, आई फील यहाँ पे मे बी बैंक निफ्टी सिग्नलिंग वीकनेस, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं इट इज लोअर हाइज, सो द ट्रेंड एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इज मोर फेवरिंग द डाउन साइड। और हम लोग देख सकते हैं RSI 60 हैज बीन गिवन अप। नाउ आई वुड नॉट पर्सनली ट्रेड ऑन दिस, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बट एटलीस्ट एज ट्राइंग टू बी एज अनबायस्ड एज आई कैन, आई फील इट इज यू नो प्रेफरिंग द डाउन साइड एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। मे बी ये वाला गैप फिल करेगा 37,200 के आसपास और 36,600 को री अटेम्प्ट कर सकता है। नेक्स्ट अप रिलायंस। रिलायंस हम लोग देख सकते हैं इट्स स्टिल नॉट लुकिंग वेरी गुड। 2600 को रीटेस्ट कर दिया था, इट वॉज एबल टू गेन बैक अप, दिस इज वॉट वी आर सीइंग, बट अगेन उतनी जो पॉजिटिविटी थी वो नहीं थी। इनफैक्ट वी कैन सी प्रीवियस क्लोज से सेलिंग आ रहा है, सो रिलायंस नॉट रियली इन अ वेरी गुड प्लेस। एंड हम लोग ने यहाँ पर ही बात किया था कि हाउ थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन, पहले वी स्पोक अबाउट इट हियर, एंड एट दिस स्टेज आई फेल्ट कि ठीक है थिंग्स आर स्टिल लुकिंग गुड, एंड माई रेजिस्टेंस, माई सॉर्ट ऑफ जोन ऑफ कंसर्न वॉज दिस वन, क्योंकि नीचे ATH के नीचे गिरने के बाद दिस वॉज द रीटेस्ट एंड देन इट फेल डाउन, और वहीं से वो नीचे आ रहा है। सो आई थिंक इट डज नीड सम सॉर्ट ऑफ अ हेल्प, एंड दैट हेल्प आई बिलीव माइट कम इन समवेयर अराउंड हियर और समवेयर अराउंड हियर। अब ये वाला जो लेवल है क्लोजिंग बेसिस पे उसने होल्ड किया है, बट इंट्राडे इट हैज़ ब्रोकन, सो अगर कल इसके ऊपर नहीं रह पाता देन आई वुड से 2550, 2560। नेक्स्ट अप HDFC बैंक हम लोग देख सकते हैं इट इज़ नाउ बिलो द लो ऑफ द डे व्हेन द मर्जर वॉज अनाउंस्ड, विच मीन्स कि मर्जर का जो न्यूज़ है वो खा गया है मार्केट। बुल्स ने बोला अरे वाह मर्जर होने वाला है, फिर बेयर्स आए वो भाई ज़मीन पे आ जाओ, आसमान में मत उड़ते रहो, रियलिटी समझो, एंड नाउ थिंग्स आर बैक। सो हम लोग देख सकते हैं RSI भी 60 के नीचे आ गया है, वी कैन सी इट अप्रोचिंग दैट 1530 लेवल, 1600 तो क्लियरली गिवन अप। माई व्यू राइट नाउ 1530 होल्ड करता है, इट्स अ गुड साइन। अपार्ट फ्रॉम दैट एंड क्वाइट फ्रेंकली मोर रियलिस्टिकली आई फील शायद 1500 रीटेस्ट कर सकता है, एटलीस्ट दैट्स वॉट यू नो आई एम गैदरिंग फ्रॉम दिस। अगेन एक चीज़ आई फील एक मिसकंसेप्शन होता है एस्पेशली इन द माइंड्स ऑफ बिगिनर्स, दैट पीपल हु डू एनालिसिस एंड ऑल एस्पेशली ऑन यूट्यूब, बिकॉज इट फील्स सो क्रेजी कि अरे कोई यूट्यूब पे बंदा वीडियो बना रहा है एंड ऑल। फॉर मेनी पीपल, एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा था, पीपल थिंक कि यार मे बी दे हैव एक्सेस टू सम फ्रेश काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। श्योर इट्स ट्रू, बट वो फ्रेश काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मोर ऑफन देन नॉट पब्लिक इन नेचर। सो आपको जितना पता है इट्स वेरी लाइकली कि मुझे भी उतना ही पता है, मे बी आपको इनफैक्ट ज़्यादा पता होगा अगर आप पूरा दिन न्यूज़ देखते हो तो। सो आई थिंक बेस्ड ऑन वॉट द मार्केट इज एटलीस्ट टेलिंग मी, आई वुड फील कि यहाँ पे, एंड अगेन आई डोंट हैव एनी मोर इन्फॉर्मेशन दैन यू, आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट इज़ वेल, बिकॉज बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अरे क्या मिथिकल क्रीचर्स है जो एनालिसिस करते हैं और सब, एंड यू नो इट फील्स सो क्रेजी, फील्स सो सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट इंटिमिडेटिंग। ऐसा कुछ नहीं है, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गिव इट टू यू एज रियल एज पॉसिबल। नेक्स्ट आप इन्फोसिस। इन्फोसिस नीचे आया है, एंड आई थिंक 1800 के आसपास जब आता है, 1810 के आसपास, आई थिंक दैट इज़ वेन इट माइट एक्चुअली लुक लाइक अ गुड प्रोपोजिशन एटलीस्ट फॉर मी। अगर यहाँ पे आता है एंड आई फील देर इज़ अ गुड चांस इट कैन कम, आइदर यहाँ से सीधा यहाँ पे ओपन होगा और इट माइट कम डाउन। अगर नीचे जाता है आई थिंक इट माइट बी अ गुड पॉइंट फॉर मी टू लुकिंग एट फॉर मी टू लुक एट लॉन्ग्स इन दिस, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ कंटिन्यूएशन ट्रेड फॉर मी। एंड अगर ये ऊपर जाता है देन आई फील बाइंग ऑन डिप्स इज एडवाइजेबल हियर, एटलीस्ट
एज पर माई व्यू, एज पर माई रिस्क एपिटाइट. नेक्स्ट अप TCS गॉन डाउन. हम लोग देख सकते हैं ये अच्छा प्रॉमिस दिखा रहा था, बट देन इट्स फॉलन फ्लैट, रिजेक्टेड 3800 लेवल्स एंड नाउ वी आर सीइंग इट एट 3755. नॉट टू श्योर कि इसके सपोर्ट्स कहाँ पे आ सकते हैं बिकॉज द रिसेंट प्राइस एक्शन हैज बीन अ लिटिल चॉपी, बट मूविंग एवरेजेस पॉइंट टुवर्ड्स 50 एमए एट 3688. सो मे बी इट ट्राइज टू मीन रिवर्ट गो टू देयर और सो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम नॉट टू श्योर टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि अगर ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं देन TCS की एक हैबिट है, मैं बोल दूँ कि वो हायर लोज बना के ब्रेकआउट करने की उसको बहुत अच्छी आदत है. दिस इज समथिंग वी सॉ हियर, वी सॉ द सेम थिंग हैपनिंग बिफोर एज वेल. तो अगर वो सेम हिसाब से जाते हैं, एज लॉन्ग एज 3390 नहीं टूटता, एंड आई नो दैट्स अ लॉन्ग 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 टाइम टू गो, इट्स लाइक 10% अवे, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज 3390 ये वाला जो जोन नहीं टूटता, आई थिंक ओवरऑल तो देयर इज अ गुड चांस इट क्रॉसेज दिस ATH. नाउ यहाँ पे कहाँ पे है वी आर नॉट टू श्योर, मे बी इट कम्स डाउन अगर सेंटिमेंट्स आर स्टिल नॉट लुकिंग गुड, मे बी 3700 रीटेस्ट भी हो सकता है, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल अर्ली टू से एग्जैक्टली क्या होगा. HDFC 2600 को तोड़ दिया है उसने, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन. आई थिंक नाउ इट माइट बी हेडेड टुवर्ड्स 2480 और सो. नॉट मोर टू कमेंट ऑन दैट टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि HDFC ट्विंस इन जनरल थोड़े यू नो सीन में टू बी वेरी फ्रैंक. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ICICI बैंक, आई एम नॉट श्योर वाई माई ड्रॉइंग्स हैव लोडेड नाउ. वी कैन सी 740 उसने होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पर नीचे लोअर लेवल उसने अटेम्प्ट किए थे. नाउ माई व्यू येस्टरडे दैट आई शेयर्ड आई बिलीव वॉज की 726 725 के आसपास आएगा, समवेयर अराउंड हियर. आई फील दैट स्टिल होल्ड्स ट्रू, एटलीस्ट 740 के आसपास आया है, दैट्स अ गुड साइन. सो इफ वी डू दिस वी कैन सी होल्ड कर रहा है ये 741 का लेवल, बट लेट्स सी. वीकनेस नज़र आ रही है, वी कैन सी हायर, वी कैन सी लोअर हाइज एंड लोअर लोज एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, एंड RSI 60 रेजिस्टेंस. सो मे बी बैंक्स इन जनरल में एक बार मोमेंटम बनती है तो कुछ होगा. कोटक बैंक होल्डिंग 1780 एज ऑफ नाउ, बट कुछ बोल नहीं सकते, एक इम्पॉर्टेंट जोन में. सो जब ही ऐसे इम्पॉर्टेंट जोन्स में होता है राइट, एट दिस टाइम प्राइस इज नोन टू बी वेरी चॉपी, प्राइस इज नोन टू बी वेरी साइडवेज, और इट इज़ एक्चुअली दीज व्हिपसॉज दैट कॉज द मोस्ट ट्रबल. अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर डेली चार्ट पर अगर बहुत ही अच्छा एक सेटअप है, कोई भी सेटअप ले लो, अगर आपको ब्रेकआउट्स अच्छे लगते तो ब्रेकआउट्स, अगर आपको रिवर्सल अच्छे लगते तो रिवर्सल, तो अगर आप डेली चार्ट पर वो ऑब्जर्व कर रहे हो एंड देन यू ट्राई टू यू नो ट्रेड दैट ब्रेकआउट और यू ट्राई टू ट्रेड दैट बुलिश मूव ऑन द 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्या आपको लगता है कि सेंस बनेगा प्राइस मूवमेंट्स में? आई थिंक दैट इज समथिंग सिमिलर टू वॉट कोटक बैंक इज फेसिंग राइट नाउ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पे हाँ इट इज़ एट एन इम्पॉर्टेंट जोन, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, बट आई थिंक छोटे टाइम फ्रेम्स में ऑल ऑफ दैट इज जस्ट बिकमिंग नॉइज, एंड एज अ रिजल्ट जब बड़ा मूव आएगा आई थिंक पीपल विल बी कॉट ऑफ गार्ड, बट एक्चुअली वो मूव ऑलरेडी आ गया है और उसने ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं ऐसे मूव करने वाला. सो दैट्स माई व्यू ऑन दिस अगेन. कोटक बैंक एज सच मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है और मेरा व्यू थोड़ा सा आई थिंक कॉन्ट्रा हो सकता है गिविन दैट आई हैव you know seen how it moves, but yeah that's what I feel. Next up SBI, hum log dekh sakte hain it's looking good. PSU banks in general were good, RSI 60 ke upar hai, this is also the highest close that we've seen in recent times. All of that points towards it being a possible good day tomorrow, but let's see. This is reminding me of Reliance, kyunki Reliance mein bhi hum log ne aisa upar niche thode 3 candles sideways dekhe the aur uske baad wo gira tha. So I think pivotal moment. Either way, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड करना चाहिए. एक्सिस बैंक हैज़ गिवन अप दैट 780 लेवल, सो आई थिंक नाउ पॉसिबली 760 के आसपास तक जा सकता है. अगर 760 के आसपास से सपोर्ट लेता है देन आई थिंक इट माइट बी अ गुड एरिया टू कंसिडर लुकिंग इन टू इट. अगेन मेरे पास ऑलरेडी है होल्डिंग्स में, सो यू नो माई व्यू माइट बी बायस्ड एंड आई पर्सनली माइट नॉट टेक दैट ट्रेड, बट आई फील देयर स्टिल अ गुड चांस ये वाला जो एरिया है वहाँ पर. So yeah, that's my view for the markets. Again, अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है always let me know. It's really helpful for me to understand कि कितने लोग exactly देखते हैं एंड तक एंड सुनते हैं मुझे. Yeah, I hope you have a very happy trading session tomorrow. Happy analysis. See you in the next one.